उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने 13 अगस्त को सुबह 10:30 अपने विधानसभा क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय मऊ नगर पंचायत में एसएससी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की सौजन्य से इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण चुके हैं। 76वां वर्ष चल रहा है, अतः इस बार पूरे भारत राष्ट्र में घर घर तिरंगा लहराने की सरकार की मंशा है। इसी क्रम में मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने अपने पदाधिकारियों प्रधानों समर्थकों के साथ तिरंगा चेतना यात्रा मऊ नगर पंचायत में निकाली। विधायक जी का तिरंगा यात्रा जोरदार थी और विधायक जी का मार्च भी तेज था। मऊ मानिकपुर विधायक जी के साथ मऊ नगर पंचायत अध्यक्ष भावी प्रतिनिधि अमित द्विवेदी ने भी बड़े जोरदार से अपने समर्थकों के साथ शिरकत की और साथ में भूतपूर्व प्रधान खपतेहा दिलीप द्विवेदी व चंद्रशेखर द्विवेदी तिरंगा यात्रा में विधायक जी के शामिल हुए। समर्थकों के साथ व महिलाओं में गीता तिवारी, लक्ष्मी शुक्ला, सुमित्रा देवी ने भी विधायक जी के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल थी। जिला पंचायत सदस्य भाजपा वार्ड नंबर 2 से विनीत द्विवेदी भी तिरंगा रैली में शामिल हुए। विधायक जी की तिरंगा चेतना यात्रा केंद्रीय कार्यालय से निकाल के अस्पताल रोड होते हुए, रावणा के पास होते हुए, मऊ बाजार होते हुए, जमुना रोड पहुंचकर सीधे मऊ बस अड्डे की ओर चौराहा होते हुए, बाएं मुड़कर थाने के सामने से तहसील के पास से लौट करके अपने केंद्रीय कार्यालय में यात्रा खत्म की। बाद में वहां पर आए कुछ फरियादियों की शिकायत भी सुनी और उनको आश्वासन दिया कि 15 अगस्त के बाद सभी लोगों के काम में ध्यान दूंगा और सबका काम सहयोग से निपटा लूंगा। विधायक जी की तिरंगा चेतना यात्रा सुबह 10:30 से शुरू हुई और 11:30 खत्म हुई। इसके बाद भी गांव से बहुत से लोग झंडे लेकर के विधायक जी के पास भारत माता के नारे लगाते हुए आते रहे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट, देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। तिरंगा यात्रा विषय में क्या कहना चाहते हैं? तिरंगा यात्रा जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे देश के अमर शहीद सपूतों के याद को ताज़ा करते हुए ये अमृत महोत्सव के रूप में तिरंगा यात्रा माननीय हमारे मऊ मानिकपुर के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई आदरणीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी के नेतृत्व में पूरा मऊ मानिकपुर तिरंगा यात्रा में उनके साथ रहा है। हमारे मऊ के नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और आम जनमानस जो आया है, ये हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी देश के प्रति जैसी सच्ची सोच है, इस सोच को हम निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप मऊ मानिकपुर विधायक जी हैं, आज आपने तिरंगा यात्रा, आपके जनसमूह बहुत तगड़ा निकला है, देखने को मिला है कि कम से कम 200-300 मीटर की आपकी लाइन लगी थी, बड़ा सपोर्ट हुआ आपको। तो विधायक जी, आपको आज कैसे एहसास हो रहा है झंडा तिरंगा चेतना यात्रा को लेकर के? झंडा तिरंगा यात्रा मोदी जी की सबसे बड़ी योजना है और देश को ये बताने के लिए है कि 75 साल पूरा हो गया है, देश इस यात्रा को बहुत बढ़िया मनाए, मैं उसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आपके समर्थन में सभी कार्यकर्ता घर घर जाके गांव-गांव कह भी रहे हैं कि घर घर झंडा लगा करके हमें दिखा देना है कि हमारा भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके लिए गांव में झंडे लग रहे हैं, कल तक पूरे गाँव में झंडे लगने की पूरी उम्मीद है। 75 साल पूरा होने पर मैं भी आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ हूँ।